पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लास 2 क्लास 5 के साथ कंपटीशन करते हैं फुटबॉल का। तो गेम के बीच में क्लास 2 का एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है और कोई दूसरा लड़का उस इंजर्ड लड़के के प्लेस पर नहीं आता, तो उस लड़के की जगह श्याओ मैन लेती है। जोवान जो दूर बैठा हुआ था और गेम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, वो सडनली से गेम के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है और वो श्याओ मैन का गेम देखने लगता है। श्याओ मैन गेम में बहुत अच्छी है, इसलिए वो गोल करती है और फिर से अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अपोजिंग टीम श्याओ मैन को डिसेबल करने का डिसाइड करती है और उसे जोर से धक्का मारते हैं, जिससे वो गिर जाती है। सभी लोग इस बात की कंप्लेन करने चले जाते हैं। वो सभी ये भूल जाते हैं कि श्याओ मैन इंजर्ड हो गई है और वो अभी भी ग्राउंड पर गिरी हुई है। तभी वहाँ जोवान आता है और वो श्याओ मैन की हेल्प करता है। क्लास 2 और उनके एडवाइजर फाउल होने की कंप्लेन करते हैं, पर रेफरी कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो जोवान वहाँ पहुँच कर कहता है ये फाउल है और मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ। देन जोवान फाउल प्रूफ करने के लिए मैथ्स अप्लाई करता है, जिससे स्टूडेंट्स अपना सर तो हिलाते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। देन फाइनली क्लास 5 अपनी मिस्टेक मान लेते हैं कि उन्होंने जानबूझकर श्याओ मैन को धक्का दिया और फिर क्लास 2 फुटबॉल मैच की विनर होती है। देन घर जाते टाइम जोवान श्याओ मैन को कन्वीनियंस स्टोर ले जाता है, जहाँ वो उसके लिए आइसक्रीम लेता है। जोवान सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बल्कि बैंडेज भी लेता है श्याओ मैन की नी इंजरी के लिए, और फिर वो ही श्याओ मैन के नी पर बैंडेज लगाता है। शॉप की ओल्ड लेडी उन दोनों का स्वीट इंटरेक्शन देख रही थी। नेक्स्ट डे टीचर श्याओ मैन के घर जाती हैं और उससे कहती हैं कि उसके मैथ्स में मार्क्स बहुत कम हैं, इसलिए उसे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। पर श्याओ मैन कहती है कि वो टीचर ही बनना चाहती है और वो इसके लिए हार्ड वर्क करेगी। जोवान श्याओ मैन की हेल्प करने के लिए सिंपल वे में नोट्स बनाता है और वो उस नोटबुक को हॉस्पिटल जाकर श्याओ मैन के डैड को दे देता है, जिससे वो श्याओ मैन को दे दें। श्याओ मैन के डैड जोवान से श्याओ मैन का ट्यूटर बनने की पूछते हैं और वो खुशी खुशी हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे से ही जोवान श्याओ मैन को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है उसके घर जाकर, पर श्याओ मैन को तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो जोवान उसके लिए नोट्स को और सिंपल बनाता है और श्याओ मैन से कहता है कि वो इन फॉर्मूलास को किक बॉक्सिंग के टर्म में इमेजिन करे। तो जब श्याओ मैन सब कुछ इमेजिन करती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो खुशी की वजह से जंप और अपने हाथ को वेव करती है। तभी हाथ वेव करने की वजह से जोवान के सर में लगता है और वो फ्लोर पर गिर पड़ता है। श्याओ मैन उससे सॉरी कहती है, वो कहता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद से श्याओ मैन अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर देती है और उसके एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देता है। क्लास में मैथ्स टीचर श्याओ मैन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, पर जोवान को छोड़कर उसके क्लासमेट्स को लगता है कि वो मैथ्स में चीटिंग करके ज्यादा मार्क्स लाई है। श्याओ मैन सबको प्रूफ करने के लिए कि उसने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की, उसके लिए वो क्लास में ही बोर्ड पर आंसर सॉल्व करती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स इवन टीचर भी हैरान हो जाते हैं और ये प्रूफ भी हो जाता है कि श्याओ मैन ने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की। अब श्याओ मैन और अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर देती है जोवान के साथ। वो उसके साथ लाइब्रेरी और अपने घर पर पढ़ती है। जोवान श्याओ मैन के साथ रहने के लिए अपना अब्रॉड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में जानबूझकर कम मार्क्स लाता है। जब ये बात श्याओ मैन को पता चलती है तो वो खुश होती है, क्योंकि अब जोवान उसके साथ रहेगा। एक दिन जोवान श्याओ मैन को उसके घर पर पढ़ा रहा था, तभी श्याओ मैन के घर पर जैन आ जाता है। श्याओ मैन नहीं चाहती कि जैन को पता चले कि जोवान उसे पढ़ाता है, इसलिए वो उसे बाथरूम में छुपने को कहती है। जैन अंदर आकर सब कुछ चेक करता है, कहीं श्याओ मैन उससे कुछ छुपा तो नहीं रही, पर जोवान उसे नहीं मिलता क्योंकि वो ऑलरेडी जैन से छुपकर अपने घर चला जाता है। देन जैन के जाने के बाद श्याओ मैन जोवान के घर जाती है उससे माफी मांगने, क्योंकि उसने जबरदस्ती जोवान को बाथरूम में छुपने को कहा जब जैन उसके घर आया था। तभी श्याओ मैन जोवान को बास्केटबॉल खेलने जाते हुआ देखती है तो वो उसे फॉलो करती है। जोवान कोर्ट में अकेला जाकर खेलने लगता है। वो बास्केटबॉल खेलने में काफी अच्छा है और जब वहाँ श्याओ मैन आती है तो वो उसे अपने साथ खेलने को कहता है। श्याओ मैन को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, इसलिए जब वो बॉल को थ्रो करती है तो बॉल सीधा जोवान के सर में जाकर लगती है। बेचारा जोवान कब से श्याओ मैन से इंजर्ड होने लगा है। एक दिन क्लास में टीचर को श्याओ मैन की सीट के नीचे से जोवान के लिए लव लेटर लिखा हुआ मिलता है।
उस लव लेटर के मिलने के बाद से टीचर उस लड़की को ढूंढने लगती हैं जो ज़ोवान के प्यार में है और क्लास में सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि ये जो टीनेज लव है वो तुम्हें तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स के लिए डिस्ट्रैक्ट करेगा। और लव लेटर के लिए सबसे पहला टीचर का शक जाता है श्याओ मैन पर, क्योंकि लेटर उसकी सीट के नीचे ही मिला था। पर ज़ोवान इस बात से खुश होता है कि श्याओ मैन ने उसके लिए लव लेटर लिखा, पर ये लेटर श्याओ मैन ने ज़ोवान को नहीं भेजा है। स्कूल के बाद जब श्याओ मैन घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी टीचर उससे पहले ही उसके घर पर हैं और उन्होंने लव लेटर के बारे में उसके डैड को बता दिया है। फिर जब टीचर श्याओ मैन को लव लेटर दिखाती है तो वो कहती है कि ये लेटर उसने नहीं लिखा और वो टीचर को अपनी हैंड राइटिंग भी दिखाती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो लेटर श्याओ मैन ने नहीं लिखा था। टीचर श्याओ मैन पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है, पर टीचर की इस गलती से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उन्होंने ज़ोवान के फादर को भी लव लेटर के बारे में बता दिया है। इधर ज़ोवान के डैड को लगता है कि श्याओ मैन के लव लेटर की वजह से ही ज़ोवान का पढ़ाई से ध्यान कम हो गया है और उसने अब्रॉड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं किया, इसलिए ज़ोवान के डैड ज़ोवान को एडवाइस देते हैं कि बाकी बचे हुए सेमेस्टर में तुम घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करो, स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाओ। ज़ोवान को अपने डैड की बात सही नहीं लगती, पर मानना तो पड़ेगी। नेक्स्ट डे ज़ोवान स्कूल जाता है जहाँ वो देखता है कि श्याओ मैन सबसे कहने लगी है कि उसने लव लेटर नहीं लिखा क्योंकि सब उस पर शक कर रहे हैं। तो इस टाइम ज़ेन उसकी हेल्प करता है और सभी क्लासमेट से कहता है ये लव लेटर श्याओ मैन ने नहीं लिखा और अगर वो कभी लिखेगी भी तो मेरे लिए, क्योंकि श्याओ मैन मेरी गर्ल है। ज़ेन की ये बात सुनने के बाद ज़ोवान को बुरा लगता है, पर इस बात के बाद से ज़ोवान को घर पर रहकर स्टडी करना इजी हो जाता है। पूरे सेमेस्टर के टाइम वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते और ना ही ज़ोवान श्याओ मैन को पढ़ाने आता है, पर वो हॉस्पिटल जाकर श्याओ मैन के डैड को नोट्स दे देता श्याओ मैन को देने के लिए, जिससे वो अपनी स्टडी अच्छे से कर सके। श्याओ मैन बहुत अच्छे से स्टडी करती है। देन ज़ोवान और श्याओ मैन एक दूसरे से एग्जाम के टाइम मिलते हैं और एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स फिनिश होने के बाद टीचर क्लास में रिजल्ट अनाउंस करती हैं और श्याओ मैन को स्पेशली मेंशन करके कहती हैं कि उसने इस बार एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया और टॉप 100 में 98 प्लेस पर आई है। इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी श्याओ मैन और स्टडी हार्ड करती है तो ये देखकर ज़ेन सैड होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो रहा है। श्याओ मैन ना तो अब ज़ेन के साथ बाहर घूमने जाती और ना ही खेलती, बस पढ़ती ही रहती थी। एक बार ज़ेन जब केक कैफे के पास से निकल रहा था तो वो वहाँ देखता है कि श्याओ मैन ज़ोवान के साथ स्टडी कर रही है। वो ये देखकर बहुत सैड होता है। उसी टाइम श्याओ मैन और ज़ोवान एक दूसरे के क्लोज आते हैं पेंसिल बॉक्स को उठाने के लिए और जब वो दोनों एक दूसरे को एक्सीडेंटली टच करते हैं तो दोनों शाय भी फील करते हैं। देन श्याओ मैन ज़ोवान को अच्छे से प्रेजेंटेशन बॉक्स में पेन गिफ्ट करती है और कहती है ये गिफ्ट मुझे पढ़ाने के लिए। ज़ोवान खुश होता है पर वरिड भी हो जाता है जब श्याओ मैन उससे कहती है कि ये पेन गुड क्वालिटी की है, इसलिए अब तुम्हें उस ओल्ड लेडी की शॉप से पेन खरीदने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में श्याओ मैन को कुछ नहीं पता, ज़ोवान उस शॉप पर हमेशा पेन लेने इसलिए जाता था जिससे वो वहाँ श्याओ मैन को देख सके जब वो सामान लेने आती थी। देन ज़ोवान श्याओ मैन से कहता है कि वो उसे किकबॉक्सिंग सिखाए तो श्याओ मैन मान जाती है। और इसी के साथ पार्ट 2 एंड होता है।